ना तो सीमा के खिलाफ है ना सचिन के, एक महिला के खिलाफ खड़े हैं एक महिला, क्योंकि इसने जो किया है वो बहुत गलत किया है। कहते हैं महिला तीन पीढ़ियों को लेके चलती है, ननसार, पीहर और ससुराल, इसने तीनों की नाक कटवा डाली। फंस गई सीमा हैदर के पति सचिन की मिथिलेश भाभी। अब सीमा हैदर भेजेंगी मिथिलेश भाभी को सीधा जेल। अपने पति सचिन के साथ बदतमीजी नहीं, सीमा हैदर को बर्दाश्त। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। लपू सा सचिन और झिंगूर सा लड़का, आपको ये डायलॉग तो याद ही होगा। सीमा के पति सचिन पर बोला गया ये डायलॉग अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पिछले कई महीनों से सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन इस बार सीमा हैदर अपने प्यार की वजह से नहीं बल्कि अपनी नफरत की वजह से छाई हुई। जी हाँ, सीमा हैदर अब जल्द ही सचिन की पड़ोसन मिथिलेश भाभी पर केस करने जा रही हैं, क्योंकि मिथिलेश भाभी ने ना सिर्फ सीमा हैदर को बदनाम किया है बल्कि साथ ही सचिन के बारे में भी बहुत कुछ गलत कहा है। क्या है ये पूरी खबर, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदुस्तानी प्रेमी की खातिर पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर तो नेशनल सेंसेशन बन चुकी है, लेकिन सीमा और उसके प्रेमी सचिन को लेकर बयानबाजी करने वाली मिथिलेश भाटी यानी सचिन के पड़ोस में रहने वाली भाभी भी इन दिनों खूब चर्चा में। जी हाँ, ये वही सचिन की मिथिलेश भाभी है जिन्होंने सचिन को लपू सा सचिन और झिंगूर सा लड़का कहा था। मिथिलेश भाटी नोएडा के रबुपुरा में रहती है। जब उन्हें सीमा सचिन की लव स्टोरी के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, साथ ही सचिन और सीमा के बारे में कई गलत बातें भी कह डाली, लेकिन अब उन बातों पर सीमा हैदर ने आपत्ति जताई है। दरअसल मिथिलेश भाभी ने सचिन को लेकर कहा था लपू सा सचिन और झिंगूर सा लड़का, उससे क्या प्यार करेगी सीमा। मिथिलेश भाभी का ये डायलॉग देखते ही देखते इतना फेमस हो गया कि इस पर सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स, रील्स और फनी वीडियो तक बनने लगे। वहीं सीमा सचिन के वकील अब इसी मिथिलेश भाटी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। दरअसल सीमा के वकील का कहना है कि सचिन को लप्पू और झिंगूर बोलना बिल्कुल गलत है, बॉडी शेमिंग करना अपराध है। सीमा के वकील एपी सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि ये टिप्पणी सभी पतियों का अपमान है। सीमा के वकील ने आगे ये भी कहा कि हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और मिथिलेश भाभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में मिथिलेश भाभी का कहना है कि उन्होंने किसी की भी बॉडी शेमिंग नहीं की है। उनका कहना है कि मेरे मुंह में जो आया था वो उन्होंने बोल दिया। मिथिलेश भाभी ने आगे ये भी कहा कि मैंने सचिन का किसी तरीके से कोई अपमान नहीं किया है। इतना ही नहीं, मिथिलेश भाभी का ये भी कहना है कि गांव की भाषा में ये रोजमर्रा की बोली का हिस्सा है। गांव में जिसकी टांगे पतली सी होती है उसे लप्पू सा कहा जाता है, तो उन्होंने भी सचिन को लप्पू कह दिया और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यानी मिथिलेश भाभी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सीमा के जो वकील है वो अब मिथिलेश भाभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुके हैं। अब आगे क्या होता है ये देखना सचमुच दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के बाद इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अहम खबरें हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहें।